बिना बेसन और बिना चावल के आटे के आज हम बनाएंगे मेथी के पकोड़े। और ठंड में तो बहुत ही अच्छे मेथी आते हैं, तो एक बार इस पकोड़े को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पकोड़े बनाने के लिए मैं ली हूँ आधी कटोरी चने की दाल और आधी कटोरी मूंग की दाल। दोनों को अच्छे से धो ले और 2 घंटे के लिए कम से कम इसे फूलने के लिए छोड़ दे, जिससे दाल जो है हमारी अच्छे से फूल जाएगी और हमें इसे पीसने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है, तो अब इसे हम डाल देंगे हमारी मिक्सी के जार में। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, आप चाहे तो इसे बारीक कट करके बाद में भी डाल सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे थोड़े से डाल देंगे लहसुन। यहाँ हमारा पेस्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है, इसे हमें पीसने में 1 चम्मच भी पानी का यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे डाली हूँ 200 ग्राम मेथी, जिसे धोने के बाद में अच्छे से बारीक कट कर ली हूँ और इसका पानी भी अच्छे से निकल चुका है। साथ में डाल देंगे 1 प्याज को भी लंबे स्लाइसेस में कट करके, थोड़े से धनिया पत्ता, इससे जो है पकौड़े का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। थोड़ी सी अजवाइन, आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे हींग। स्वाद अनुसार नमक, इससे ज़्यादा हम इसमें मसाले का यूज नहीं करेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने चने की दाल का यूज किया है, इससे जो है पकोड़े जो है बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो इस तरह हम छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे ऑयल में। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम कर दे और इसमें एक एक करके हम इस तरह पकोड़े को डालेंगे। एक बार में जितना हमारे कढ़ाई में आए हम उतना डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद में हम इसे इस तरह चम्मच को लगाएंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। ये पकोड़े बहुत जल्द अंदर से भी पक जाते हैं, तो इसी तरह हिलाते हुए हम इसे सब तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पकोड़े में हमारा कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छे से पक चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। मैं इसे इस तरह स्टेनर पर निकालूँ जिससे एक्स्ट्रा ऑयल हमारा अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ हम मेथी के पकोड़े को सर्व कर रही हूँ हरी वाली धनिया और टमाटर की चटनी के साथ में, ऐसे सॉस के साथ में बच्चे को दे सकते हैं। और अंदर से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा पका है। तो आप भी इस मेथी के पकोड़े को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।